बढ़ते आगे। इधर सिरोही में अवैध ड्रग्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एनसीबी जोधपुर, एटीएस गुजरात व सिरोही पुलिस की यह संयुक्त रूप से कार्रवाई है। सिरोही व जालौर सीमा पर जिले के कैलाश नगर थाना क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई हुई। ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। जब्त की गई ड्रग्स का बाजार मूल्य यहाँ पर 45 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने इसे लेकर जानकारी दी। तो बड़ी कार्रवाई है, जिस तरह से एनसीबी जोधपुर, एटीएस गुजरात व सिरोही पुलिस के संयुक्त रूप से कार्रवाई है। सिरोही में अवैध ड्रग्स पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सिरोही व जालौर सीमा पर जिले के कैलाश नगर थाना क्षेत्र में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ड्रग बनाने की फैक्ट्री यहां से पकड़ी गई। जब्त की गई ड्रग्स का बाजार मूल्य 45 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने इसे लेकर जानकारी दी है। अब क्योंकि कार्रवाई की गई है, 45 करोड़ रुपए इसका मूल्य बताया जा रहा है, तो ऐसे में तय तक पहुंचने की कोशिश है कि और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन मुख्य सरगना है और किस तरह से एक दूसरे से ये सब कनेक्टेड है। और एसपी अनिल कुमार जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार जी, बड़ी कार्रवाई है जिसे आप लोगों ने अंजाम दिया है, किस तरह से कामयाबी मिली, क्या गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? देखो, अभी इसमें कार्रवाई चल रही है। ये गुजरात एटीएस का इनपुट था जी, और एक चार जगह ये कार्रवाई हुई है। उसमें अपने गुजरात में भी कार्रवाई की है इन्होंने, ओशिया इलाके में हुई है और हमारे कैलाश नगर में। तो गुजरात एटीएस, एनसीबी जोधपुर और हमारी सिरोही पुलिस, ये तीनों की जॉइंट कार्रवाई थी, जिसमें ठीक मैथ करके एक ड्रग है जिसकी लेबोरेटरी थी एक खेत में। अनिल कुमार जी, तो क्या यहाँ पर भी हर जगह क्या अलग अलग फैक्ट्री है या सब एक दूसरे से कनेक्टेड है? इनको ऑपरेट करने वाला जो नेक्सस है वो उसके अंदर शायद कोई कॉमन हैंडलर हो सकता है, जो अभी जांच में निकल के आएगा। तो उसी के ठीक लीड पे ये जो आगे मतलब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसी के ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। तो क्या सिरोही से भी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? अभी चल रही है, एक दो जो है सस्पेक्टेड है उसको एनसीबी जोधपुर ने राउंड अप किया है जी। और अभी एफएसएल अहमदाबाद की टीम सेंट्रल लैब के भी मौके पर है और कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल कुमार बेनीवाल जी बातचीत के लिए। जिस तरह से एसपी अनिल कुमार बेनीवाल जी ने बताया कि कार्रवाई जारी है, क्योंकि जारी है कार्रवाई, इसलिए अभी और भी खुलासे होने की यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर है कि ये मास्टरमाइंड कौन है, कौन सरगना है, कैसे गिरफ्त में लिया जाए, चार अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई यहाँ पर हुई है। 45 करोड़ रुपए इसका मूल्य आका जा रहा है सिरोही में, और सिरोही, ओसिया, गुजरात, जालौर सीमा पर यह कार्रवाई भी की गई है। तो अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई है और इसी को लेकर जैसे जैसे पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, उसी आधार पर इस तरह से एक्शन भी लिया जा रहा है और पुलिस को कामयाबी मिल रही है। हमारे सहयोगी अशोक भी सिरोही से हमारे साथ बने हुए। अशोक, जिस तरह से एसपी साहब भी पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन अभी ये कार्रवाई कहां तक पहुंची, अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही में क्या सामने आया? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो खेत में ये बड़ी जो खेप और ये फैक्ट्री बनाने की जो जो भंडाफोड़ किया है, गुजरात जो एटीएस है, एनसीबी जोधपुर है और सिरोही पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें जो दो लोग हैं उन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खेत मालिक है, रगाराम लोटीवाड़ा का है, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो भजनलाल बिश्नोई है, ये सांचौर जिले का बताया जा रहा है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। जो भारी मात्रा में, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि 15 किलो से ऊपर का जो ये एमडी जो होती है ड्रग्स, वो पकड़ा गया है। साथ ही जो रॉ मटेरियल है उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस इन दोनों लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये काफी लंबे समय से यहां चल रही थी और जिस प्रकार से जो एनसीबी और एटीएस का जो इनपुट था, इनपुट के आधार पर सिरोही पुलिस को से वार्ता की गई और सिरोही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस बड़ी जो फैक्ट्री है उसको पकड़ा है। करीब 45 करोड़ रुपए है, उससे भी ज्यादा का ये बताया जा रहा है। अभी तक जो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ये जो एमडी है वो बरामद की गई है। फिलहाल जो जिस प्रकार से अभी एनसीबी जोधपुर और जो एटीएस की जो टीम है वो वहां पर मौके पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात है। जिस प्रकार से ये जो कामयाबी मिली है तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है जी। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये फैक्ट्री चल कब से रही थी? क्या ये खेत में बनी हुई फैक्ट्री है ताकि किसी का ध्यान इस ओर न जाए?
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक खेत है रगाराम करके, जो वहां का लोटीवाड़ा का ही निवासी है, उसका ये खेत बताया जा रहा है। उस खेत के अंदर एक कमरा था और उस कमरे के अंदर ये फैक्ट्री संचालित थी, और ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से संचालित थी, लेकिन अभी इनपुट में अभी सामने नहीं आया कि कब से ये फैक्ट्री संचालित थी, कितनी ये ड्रग्स बनाई गई, कितनी बेची गई। लेकिन अब जब ये जो दोनों को राउंड अप किया है, दोनों को इन्होंने पुलिस ने इनको लिया है, तो पुलिस इससे खंगाल रही है कि इनसे क्या कितनी इसमें जो MD वो बेची थी, कितनी माल सप्लाई किया, कहां कहां किया, तो वो एक बार इनको राउंड अप किया, पूछताछ में ये शामिल होगा। जी बिल्कुल, और पूछताछ में कई और खुलासे भी होंगे। अशोक बाबत आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए